वहीं अमृतसर के गांव मूलेचक में बारिश के कारण बड़ा हादसा पेश आया। बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई। इस हादसे में माता पिता और दो बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची घायल भी बताई जा रही है। एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि बताया जा रहा है यह हादसा देर रात करीबन 2:30 बजे हुआ, जब पूरा परिवार सो रहा था। अमृतसर के एक गांव मूलेचक में एक दर्दनाक घटना जो है वो सामने आई। कल देर रात यहां पर एक घर की छत गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। हम इस समय खड़े हैं अमृतसर के मूलेचक वीर कॉलोनी और आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो घर है जिसकी छत गिरने से चार लोगों की जो है वो मौत हो गई है। और ये कल देर रात की बात है कि 1 बजे के करीब जो है बारिश और ओले पड़ने के कारण जो ये छत है ये गिर गई, जिसके कारण चार लोगों की मौत हुई है और छोटे छोटे दो जुड़वा 6-6 महीने के बच्चे हैं जो जिनकी इसमें मौत हुई है। बहुत दर्दनाक घटना है और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अभी जो है तहसीलदार पहुंचे हैं और मुआयना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कैसे हुआ, ये घटना को देखने के लिए खुद जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको दिखा दें कि ये वो जगह है जिस घर की छत जो है रात को गिरी है और इसमें चार लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। और इसमें बताया जा रहा है कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 6-6 महीने के जुड़वा बच्चे हैं जिनकी इसमें मौत हुई है। और उनको अभी एक और यहाँ पर बताया जा रहा है घायल है, उनको अभी एक की बेटी है वो अभी इलाज उसका जो है चालू है। और चार लोगों की फिलहाल जो है पुष्टि कर दी गई है कि इनकी जो मौत है वो हुई है। और यहाँ पर तहसीलदार जो है वो मुआयना करने के लिए आए हैं। यहाँ पे चश्मदीद हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरी रात में ये क्या मसला हुआ। सर क्या नाम है आपका? सर शमशेर सिंह। शमशेर जी कैसे हुआ ये घटना, कैसे हुई? सर रात 2 बजे की बात है, तो एकदम से बहुत ज्यादा आवाज हुई, तो मेरी दादी मेरे साथ लेटी हुई थी, उन्होंने बोला भी इधर देखो बार क्या हुआ है, तो मैंने बाहर आने का देखा तो ये छत गिरी पड़ी थी इनकी, तो फिर हम इधर से आए यहाँ से। आप जब उधर से आए, आपने आके क्या देखा यहाँ पर? सर देखा क्या, ये गेट दरवाजा बंद था, ये दरवाजा बंद था, इसको खोलते थे खुलता नहीं था, तो फिर वहाँ पे सीढ़ी पड़ी थी, उसके मार के हमने उसको खोला। जब फिर आपने खोला दरवाजा तो आपने क्या पाया? सर मैंने देखा कि वो जो यहाँ ये बंदा है जो हमारे अजय कुमार है वो नीचे आया हुआ था, सारा परिवार नीचे था। तहसीलदार यहाँ पे मुआयना करने के लिए आए हैं, बातचीत कर लेते हैं। मैम आप यहाँ पर आए हो, काफी दर्दनाक घटना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, इस पे कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता, कितनी दर्दनाक घटना हुई। आपने भी देखा कि चार लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है, दो मियाँ बीवी, दो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, दो एक लड़का एक लड़की, जस्ट 6 मंथ्स ओल्ड। तो इसमें बुरा बहुत हुआ जी, बहुत बुरी बात हुई। प्रशासन की तरफ से अब क्या इनको कॉम्पनसेशन दी जा रही है? देखिए जी, प्रशासन की तरफ से जो भी दिया जाएगा उसके हिसाब से अभी हमने रिपोर्ट तैयार की है। मेरे पटवारी साहब साथ में आए, आप देख रहे हो, तो वो जाके डी साहब को दी जाएगी, तो फिर वही डिसाइड करेंगे। मैम आपकी पूरी टीम यहाँ पर अभी पहुंची है और आपको ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर आसपास में और भी कच्चे घर हैं काफी, उनके लिए अब सरकार क्या सोच रही है? हाँ जी बिल्कुल जी, उनके लिए अभी हमें पता चला कि और भी घर हैं, तो हमने यहाँ पे अभी बोला है कि हम उनके नाम वगैरह नोट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि कौन है, तो उनके लिए अभी तो देखो एकदम से तो कोई छतें बदली नहीं जा सकती, तो ये हो सकता है कि उनको कुछ करा के हादसा रोकने के लिए कुछ तो प्रशासन की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि ये एक हादसा सामने आ चुका है जिसमें बहुत दर्दनाक है, जिसमें छोटे छोटे 6-6 महीने के जुड़वा बच्चे भी इसमें जो है वो मारे गए हैं। बिल्कुल, इसके बारे में देखिए जी हम अभी जा रहे हैं, तो एसडीएम साहब से बात करी जाएगी, उनको सारी स्थिति से अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर जो भी होगा उनके लिए जरूर किया जाएगा। प्रशासन जो है वो लगातार अब ये इस चीज की जो इंक्वायरी कर रहा है कि आखिरकार और इस एरिया में कितने कच्चे मकान हैं जिनको पक्का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश पड़ने से अगर एक घर टूटा है तो और आसपास के जो घर हैं उनको भी खतरा जो है वो बना हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है और किस तरह से इन लोगों की जो है मदद करता है। कैमरा पर्सन अमन माल के साथ जसबीर सिंह, जनता टीवी अमृतसर। बहुत बड़ी घटना हुई है जी, अभी भाई वीर सिंह कॉलोनी है मूलेचक लागे, एक गरीब परिवार से एक कमरे च रहन डे, बब्बू नाँ दा इहदी वाइफ, तीन बच्चे ही इहदे, ते बारिश हुई रात ते बालियां दी छत ही माड़ी ही, उह डिग पीरियड थले आ के उहनां दी चौं जीआं डैथ हो गई, इक लड़की 6 साल दी उहदा बच गई है।